साई की बात। बच्चे अपने रास्ते खुद चुनो मेरे बच्चे खुद, क्योंकि मेरे बच्चे दुनिया ना तुम्हें बहुत तरह के रास्ते दिखाएगी। कोई कहेगा इधर जाओ, कोई कहेगा उधर जाओ, तुम्हें अलग अलग तरीके के रास्ते दिखाएगी, लेकिन तुम करना वही जो तुम चाहो, जो तुम्हारा दिल चाहे, जिस रास्ते को तुम्हारा दिल चुनना चाहे मेरे बच्चे, जो तुम करना चाहो। दूसरों के कहने पर कभी मत आना, दूसरों के कहने पर कभी रास्ते मत चुनना मेरे बच्चे, क्योंकि हर किसी के रास्ते, हर किसी की मंजिल अलग अलग होती है, और तुम्हारी मंजिल, तुम्हारी सोच अलग है, क्योंकि तुम्हारे साथ तुम्हारा साईं है मेरे बच्चे। और अपने रास्तों को तुम खुद बनाना सीखो मेरे बच्चे, खुद चुनना सीखो। क्यों किसी पर निर्भर रहते हो मेरे बच्चे? हमेशा अपने फैसले अब खुद लेना सीख जाओ मेरे बच्चे। इतने बड़े तो तुम हो ही गए हो, समझदार भी बहुत हो, तो मेरे बच्चे क्यों किसी और पर निर्भर रहना। और सुनो, तुम्हारे हिस्से की खुशी कोई कैसे छीन सकता है मेरे बच्चे? कैसे बोलो, तुम कह रहे थे ना कि तुम्हारे हिस्से की खुशी छीन ली। नहीं मेरे बच्चे, वो तुम्हारे हिस्से की खुशी थी ही नहीं मेरे बच्चे। और फिर भी अगर तुम्हें ऐसा लगता है ना, तो मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हारे लिए कुछ अलग, कुछ अनोखा लिखा है मेरे बच्चे। जिस चीज़ के दूर जाने से, जिस खुशी के दूर जाने से तुम रो रहे हो ना, उदास हो रहे हो, और तुम मायूस भी बहुत हो, लेकिन वो तुम्हारी थी नहीं मेरे बच्चे। और जो तुम्हारा है, जो तुम्हारे हक का है, वो खुशी तुम्हारा साईं तुम्हें लाकर देगा मेरे बच्चे, और दुगनी चौगनी खुशी मेरे बच्चे। तुमसे कहता हूँ चलो, जितनी खुशी तुमने सोची है ना कि तुमसे ली गई है, तो उससे दुगनी चौगनी खुशी तुम्हें लाकर मैं दूंगा मेरे बच्चे, मैं दूंगा, बिल्कुल चिंता मत करना। और सुनो मेरे बच्चे, अपने कुछ बच्चों को समझाना चाहता हूँ कि बड़ी से बड़ी परेशानियाँ क्यों ना हो मेरे बच्चे, तुम्हारा साईं तुम्हें वहाँ से भी बाहर निकाल ही लेगा मेरे बच्चे। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारा साईं सिर्फ छोटी मोटी चीज़ों के लिए निकाल पाता है? नहीं मेरे बच्चे, चाहे कितनी भी बड़ी से बड़ी मुसीबतें क्यों ना हो, परेशानियाँ क्यों ना हो, विघ्न क्यों ना हो, मैं हर चीज़ से निकाल लेता हूँ मेरे बच्चे। और ये मेरे कुछ बच्चे जानते भी हैं, उन्होंने मेरी लीला देखी भी है कि उनकी ज़िंदगी में बड़े से बड़े परेशानियाँ आईं, बड़ी से बड़ी मुसीबतें आईं, लेकिन वहाँ से भी उनके साईं ने बाहर निकाल लिया मेरे बच्चे। और सुनो, जो तुम्हें बुरे सपने आते हैं ना मेरे बच्चे, वो बुरे सपने ये नहीं कि वो होंगे, नहीं, क्योंकि तुम्हारे होने वाले संकटों को मैंने टाल दिया मेरे बच्चे, और मैंने सूक्ष्म में ही, सपने में ही काट दिया मेरे बच्चे। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम जो मेरी सेवा करते हो ना, इस वजह से, जो तुम मुझसे प्यार करते हो ना, सिर्फ इसलिए। और मैंने तुम्हें सपने में सिर्फ इसलिए दिखाया कि तुम्हें थोड़ा सा तसल्ली मिल सके कि तुम्हारी ज़िंदगी में कोई संकट नहीं है मेरे बच्चे। और जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो ना, अपने साईं की भक्ति के मार्ग पर वैसे ही चलते रहो। बस यही तुम्हें दिखाने के लिए सपना दिखाया था मेरे बच्चे, बस यही समझाने के लिए। घबराओ मत, तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा, एक भी बाल बाका नहीं होगा, ना तुम्हारा और ना तुम्हारे परिवार का मेरे बच्चे। और सुनो, तुम शिरडी आना चाहते हो ना, लेकिन तुम एक ऐसे कोने में हो जहाँ से आना इतना आसान नहीं होता, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए मेरे बच्चे, तुम्हारा ना आना वहाँ पर आसान नहीं, लेकिन तुम्हारे साईं के लिए किसी भी कोने से दुनिया के बुलाना आसान है मेरे बच्चे। मैं जहाँ चाहूँ ना अपने बच्चों को खींच ही लेता हूँ मेरे बच्चे, मैं रास्ते अपने आप बना देता हूँ। चाहे मेरा बच्चा सात समुंदर पार रहता हो या दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, अगर मैं उसे बुलाना चाहूँगा ना, शिद्दत से अगर मेरा बच्चा मुझे याद करेगा, मुझे प्यार करेगा ना, तो मैं उसे बुला ही लेता हूँ, मैं उसे अपनी ओर खींच ही लेता हूँ मेरे बच्चे। तो चिंता बिल्कुल मत करना, और तुम्हें भी खींच ही लूँगा मैं, तुम चिंता मत करना, बहुत जल्द तुम शिरडी आओगे मेरे बच्चे। तुम्हारी ये इच्छा मैं बहुत जल्दी पूरी करूँगा मेरे बच्चे, बहुत जल्दी पूरी करूँगा। और सुनो, जो भी तुम्हारा वेतन आता है ना मेरे बच्चे, सबसे पहले मेरे चरणों में रखा करो मेरे बच्चे, सबसे पहले। अगर तुम ऐसा करोगे ना, तो जितने भी पैसे मेरे बच्चे तुम्हारे घर खर्च में या किसी भी काम में जाएंगे ना, वो सिर्फ सही उपयोग से ही जाएंगे मेरे बच्चे, किसी गलत चीज़ में नहीं जाएंगे, गलत बर्बाद नहीं होंगे। अगर तुम मेरे चरणों में से कर पूजा कर उन पैसों का इस्तेमाल करोगे, और कुछ मेरे बच्चे ऐसा करते भी हैं, उन्होंने बरकत देखी भी है, बहुत बरकत होती है मेरे बच्चे, ऐसा कर देखना।
क्योंकि लक्ष्मी जी का अगर आदर सम्मान करोगे ना तो लक्ष्मी जी भी तुम्हारे पास रुकेगी, ठहरेगी मेरे बच्चे। नहीं तो लक्ष्मी जी आती ज़रूर है मेरे बच्चे, हर किसी के पास में आती है, लेकिन हर कोई लक्ष्मी जी को संभाल कर रख पाए ये किसी की बस की बात नहीं मेरे बच्चे। ये हर कोई नहीं कर सकता, ये वही बच्चे कर सकते हैं जो ये जानते हैं कि लक्ष्मी जी का आदर सम्मान किस तरह से किया जाता है, लक्ष्मी जी को किस तरह से पूज करके अपने घर में रखा जाता है। बस वही बच्चे जानते हैं, और उन्हीं के घर में बरकत आज भी है मेरे बच्चे, और वो फल रहे हैं, फूल रहे हैं। और चलो तुम भी ऐसा करना शुरू करो, मैं तुम्हें भी आशीर्वाद दूंगा फलने फूलने का मेरे बच्चे, और माँ लक्ष्मी भी देगी तुम्हें आशीर्वाद फलने फूलने का मेरे बच्चे। ऐसा कर कर देखो। और क्यों, आजकल कलश यात्रा पर जा रहे हो? जाओ, जितना जा सकते हो ना, जितना भक्ति के मार्ग पर जा सकते हो, जितना अच्छा कर सकते हो करो मेरे बच्चे। तन से और मन से तुम जितना कर सकते हो ना करो मेरे बच्चे, जितना मन चाहे करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और सुनो, बहुत जल्द ना तुम्हें कहीं कथा के लिए भेजूँगा मेरे बच्चे, जहाँ पर सत्संग चल रहा होगा, और उस सत्संग में मेरे बच्चे तुम भी शामिल होने वाले हो मेरे बच्चे। तुम बहुत कुछ वहाँ पर हासिल करोगे मेरे बच्चे, बहुत कुछ तुम्हें नए नए अवसर प्राप्त होंगे, तुम मगन हो जाओगे मेरे बच्चे। लेकिन तुम्हारा साईं तुम्हें आशीर्वाद वहीं देगा। मैं आ रहा हूँ वहाँ पर, तुम्हें भी बुलाऊँगा और मैं वहाँ खुद भी आऊँगा मेरे बच्चे। वहाँ जाकर मेरे बच्चे लीलाओं का श्रवण करना मेरे बच्चे, और तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा अंदर से, आत्मा से ना तुम्हें बहुत खुशी मिलेगी, अंदरूनी खुशी मिलेगी मेरे बच्चे, और तुम खुश हो जाओगे, तुम्हारा मन बहुत आनंदित हो जाएगा मेरे बच्चे। तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे तुम बहुत हल्के हो गए हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर मैं बस जाऊंगा, तुम्हारे अंदर से सारे विकार, सारा लालच, सारी गलत सोच मेरे बच्चे, लालसा, हर एक चीज़ बाहर निकल जाएगी मेरे बच्चे, और तुम बिल्कुल साफ़ सुथरे पवित्र हो जाओगे, तुम्हारी आत्मा पवित्र होगी और तुम्हारे अंदर मैं वास करूँगा। सत्संग में ज़रूर जाना मेरे बच्चे, ज़रूर जाना। जिस तरह तुम नहा कर अपने शरीर को पवित्र करते हो, तो इसी तरीके से मेरे बच्चे अपने मन को भी पवित्र किया करो मेरे बच्चे। और तुम्हें किसी ने कहा था ना कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने से बहुत जल्दी ईश्वर की प्राप्ति होती है, ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है, ध्यान करने को कहा था ना, वो मेरा ही बच्चा था मेरे बच्चे, जिसके द्वारा मैंने तुमसे कहलवाया था कि तुम ऐसा करना शुरू करो, लेकिन फिर भी तुम नहीं समझे, कुछ मेरे संकेतों को तुम समझ कर भी ना अनदेखा कर देते हो। मैं बार बार समझाने की कोशिश करता हूँ मेरे बच्चे, तुम्हें देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन तुम लेना ही नहीं चाहते हो। क्यों, सुबह उठा करो ना मेरे बच्चे, सुबह उठने से बहुत कुछ अच्छा प्राप्त होता है मेरे बच्चे। ऐसा कर कर देखो, चाहो तो 21 दिन ही सही मेरे बच्चे, कर कर देखो, तुम्हें बहुत अच्छा महसूस होगा मेरे बच्चे। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू करो, ध्यान करना शुरू करो और मेरी पूजा करना शुरू करो, देखना तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, तुम्हारे मन में सुकून आएगा मेरे बच्चे, बहुत शांति आएगी। ऐसा किया करो मेरे बच्चे, और मन में जो ख्याल आ रहा है ना इस समय कि ये होगा वो होगा, छोड़ दो, सब छोड़ दो अपने साईं पर, अपने साईं के चरणों पर, बस मेरी पूजा आराधना में लग जाओ, पूरा दिन मेरा नाम जपते रहा करो, माला जाप किया करो, देखो सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ अपनी जगह पर आएगा, जो जीवन में उथल पुथल है ना वो भी सब ठीक हो जाएगी मेरे बच्चे, कोई चिंता नहीं रहेगी तुम्हारी ज़िंदगी में, सब कुछ मैं ठीक कर दूंगा, पहले जैसा मेरे बच्चे, सब कुछ ठीक कर दूंगा, खुश रहो मेरे बच्चे। आज का मध्याह्न साईं संदेश समाप्त हुआ।